दोस्तों गुड़हल एक फूल होता है जो जवा कुसुम के नाम से भी जाना जाता है और सुंदर होने के साथ साथ इसमें कई सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। गुड़हल मालवेसी परिवार से संबंधित है। कई बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं जैसे कि अपच, बेचैनी, स्कर्वी रोग एवं यहाँ तक कि बुखार के इलाज में भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के निर्देशानुसार गुड़हल ले सकते हैं। गुड़हल को अंग्रेजी में हिबिस्कस कहा जाता है और इसे ग्रीक शब्द हिबिस्कोस से लिया गया है। इस सदाबहार पौधे की पत्तियाँ चमकदार होती हैं। हिबिस्कस पौधे के फूलों में सबसे ज्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके पौधे के फूल बड़े और चमकीले रंग के होते हैं। इसकी सबसे सामान्य किस्म हिबिस्कस रोजा साइनोसिस है जिसके लाल और चमकदार फूल होते हैं। गुड़हल का सेवन कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। इसका सामान्य नाम चाइना रोज शो फ्लावर है। संस्कृत नाम रुद्र पुष्प अरुणा जपा और ओड्र पुष्प है। इसका सबसे उपयोगी भाग है इसका फूल और ये विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आइए अब जानते हैं दोस्तों गुड़हल के और फायदे। सबसे पहला है बालों के लिए गुड़हल के फायदे। कुछ लोग अपने बालों के झड़ने से बहुत परेशान रहते हैं और ऐसे में गुड़हल की पत्तियां बालों से जुड़ी कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। इसके लिए आपको गुड़हल की पत्तियों को अच्छी तरह से पीस कर जैतून के पत्तों के साथ मिलाना है। अब इस पेस्ट को अपने सिर पर 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर रखना है और कुछ देर बाद हल्के गुनगुने पानी से अपने सिर को धो लेना है। कुछ दिनों तक ऐसा करने से आपके बाल घने दिखाई देने लगेंगे। इसके अलावा गुड़हल की पत्तियों को पीस कर नारियल के तेल के साथ मिलाकर कुछ देर के लिए गर्म कर लें और अब ठंडा होने के बाद इस तेल से अपने सिर की मालिश करें। ऐसा करने से आपके बाल चमकदार दिखाई देते हैं और बालों में मजबूती आएगी। इसके साथ ही रूसी की समस्या से भी ये निजात दिलाएगा। इसके अलावा गुड़हल के पत्ते और इसके फूलों से बना पेस्ट बालों के लिए प्राकृतिक हेयर कंडीशनर का काम करता है। इसे लगाने के लिए बालों को पहले शैम्पू से धो लें, इसके बाद इसे लगाएं। ऐसा करने से बालों का रंग काला होता है और डैंड्रफ से छुटकारा भी मिलता है। गुड़हल की पत्तियों को पानी और आंवले का पाउडर मिलाकर पीस लें, इसके बाद इससे अपने सर की मालिश करें। ऐसा करने से बालों का झड़ना बंद होगा और बाल लंबे होंगे। गुड़हल की चाय के फायदे कोलेस्ट्रॉल के लिए। गुड़हल की पत्तियों से बनी चाय हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करती है। ये LDL को कम करने और HDL को बढ़ाने में सहायक होती है। इसमें उपस्थित पोषक तत्व धमनी में पट्टिका को जमने से रोकते हैं और इससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। इस तरह गुड़हल हमारे दिल से संबंधित सभी परेशानियों के लिए फायदेमंद है। हिबिस्कस की चाय में शामिल हाइपोलिपिडमिक और हाइपोग्लाइसोमिक गुण डायबिटीज जैसे रक्त शर्करा विकारों से पीड़ित लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। मधुमेह रोगियों पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि गुड़हल की खट्टी चाय कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइटिस को कम करती है जो कि डायबिटीज को रोकने में मदद करता है। इसके बाद है गुड़हल के फूलों के फायदे एनीमिया के लिए। हमारे शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है और गुड़हल के फूल में उपस्थित आयरन हमें एनीमिया की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है। इसका उपयोग करने के लिए 40 से 50 गुड़हल के फूल की कलियों को अच्छे से पीस कर उसके रस को एक डिब्बे में बंद कर लें और रोज सुबह शाम एक महीने तक इस रस को दूध के साथ लेने से एनीमिया की समस्या दूर हो जाती है। इसके साथ ही इसके सेवन से स्टेमिना भी बढ़ता है। गुड़हल के उपयोग मासिक धर्म में। महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म के चक्र को नियमित बनाए रखने के लिए गुड़हल बहुत ही लाभदायक है क्योंकि महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम होने से हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे महिलाओं का मासिक चक्र सही समय पर नहीं आ पाता है। ऐसे में गुड़हल की पत्तियों से बनी चाय पीनी चाहिए जिससे मासिक धर्म के चक्र में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। गुड़हल की पत्तियां एंटी एजिंग के लिए। गुड़हल की पत्तियां महिलाओं के एंटी एजिंग की समस्या को दूर करने के लिए एक असरदार औषधि का काम करती है। गुड़हल की पत्तियां शरीर के फ्री रेडिकल्स को हटाने का भी काम करती हैं जिससे त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और त्वचा जवान और खूबसूरत दिखने लगती है। गुड़हल की पत्ती के लाभ उच्च रक्तचाप के लिए। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी गुड़हल बहुत फायदेमंद है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुड़हल का उपयोग उच्च रक्तचाप को कम करता है और इस समस्या के लिए गुड़हल के पत्तियों से बनी चाय बहुत ही लाभदायक है। इसके सेवन से हमारे हृदय की गति सामान्य हो जाती है और हम रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। इसके सूजन को कम करने वाले गुणों के कारण हिबिस्कस की चाय 10 अंकों तक रक्तचाप को कम कर देती है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से रोजाना इस चाय के 3 कप पीने होंगे। इसके बाद है गुड़हल के पौधों के फायदे वजन कम करने के लिए। गुड़हल का सेवन करने से बार बार भूख लगने की समस्या से निजात मिल जाती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध भोजन का सेवन करते हैं तो आपके वजन के बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। हालांकि कई अध्ययनों के अनुसार हिबिस्कस स्टार्च और ग्लूकोज को अवशोषित करने के काम आता है जो कि वजन घटाने में
मदद कर सकता है। हिबिस्कस एमिलेज के उत्पादन को रोकता है, जो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के अवशोषण में मदद करते हैं। इसलिए हिबिस्कस की चाय पीने से वजन कम करने में आपको मदद मिल सकती है। इसके पत्तियों से बनी चाय बहुत ही अच्छी और एनर्जेटिक होती है, जिससे हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। कम खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया तेज होती है और शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं हो पाती है, और ये सब वजन कम करने में बहुत मदद करते हैं। इसके बाद त्वचा के लिए गुड़हल के लाल फूल के फायदे। दोस्तों, गुड़हल की पत्तियों में आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, जो कि हमारे चेहरों की झुर्रियां, मुहासे, दाग धब्बों को ठीक करने के लिए और चेहरे से जुड़ी कई प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने में हमारी मदद करते हैं। इसके उपयोग के लिए लाल गुड़हल की पत्तियों को पानी में उबालकर अच्छी तरह से पीस लें। अब इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और अपने चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से आपके चेहरे का रूखापन दूर होगा और चेहरे पर ताजगी दिखाई देने लगेगी। गुड़हल की पत्तियों को पीसकर त्वचा पर लगाने से सूजन और जलन में आराम भी मिलता है। इसके बाद हैं हिबिस्कस के फायदे सर्दी और जुकाम में। गुड़हल की पत्तियों में अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जिससे ये हमें सर्दी और जुकाम से राहत दिलाने में मदद करता है। ये गले को आराम देता है और विटामिन सी के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। सर्दी और जुकाम से निजात पाने के लिए गुड़हल की पत्तियों से बनी चाय का रोज सेवन करें, इससे आपकी सर्दी और जुकाम जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद है हिबिस्कस पाउडर के फायदे किडनी स्टोन के लिए। अगर किसी को किडनी स्टोन की समस्या है तो हिबिस्कस पाउडर और गुड़हल की पत्तियों से बनी चाय का सेवन करें। इसके उपयोग से किडनी स्टोन की समस्या में लाभ मिलेगा। एक अध्ययन में पता चला है कि गुड़हल का सेवन किडनी में पथरी का इलाज बहुत अच्छे से कर सकता है। हालांकि ये अध्ययन चूहों पर किया गया था, लेकिन ये बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करेगा। जो लोग किडनी स्टोन से पीड़ित हैं, उनके लिए एक बहुत ही सकारात्मक साधन है। दोस्तों, गुड़हल की चाय हमें किडनी की समस्याओं और डिप्रेशन की वजह से खराब हुए मूड को ठीक करने में बहुत मदद करती है। शायद आप जानते होंगे कि गुड़हल के पत्तों को चबाने से मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। गुड़हल की पत्तियों और फूल को पीसकर बने पाउडर को दूध के साथ मिलाकर पीने से मेमोरी पावर भी बढ़ती है। दोस्तों, गुड़हल का फूल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जिसकी मदद से ये कैंसर को रोकने में मदद करता है। गुड़हल आपके बालों के रंग को काला करने में मदद कर सकता है और ये आपके बालों को सफेद होने से भी रोकता है। अल्जाइमर रोग के खतरे को गुड़हल के सेवन से रोका जा सकता है। कई लोग पाचन सुधारने के लिए हिबिस्कस की चाय पीते हैं। इसका उपयोग कब्ज के इलाज में भी किया जाता है। दोस्तों, ठंडी हिबिस्कस की चाय आपकी प्यास बुझा सकती है और यही कारण है कि अधिक कसरत करने के बाद इसका सेवन किया जाता है। दोस्तों, ये तो हो गए गुड़हल के फायदे, लेकिन गुड़हल के कुछ नुकसान भी हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से हैं वो नुकसान। गुड़हल की चाय उन महिलाओं के लिए असुरक्षित है जो गर्भवती हैं या फिर प्रजनन के उपचार से गुजर रही हैं, क्योंकि ये शरीर में एस्ट्रोजन के लेवल को कम करता है और मासिक धर्म का कारण हो सकता है, जिससे गर्भपात भी हो सकता है या फिर खून भी बह सकता है। विशेष रूप से पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं को हिबिस्कस की चाय बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हार्मोन उपचार करवा रही महिलाओं या गर्भनिरोधक गोलियां ले रही महिलाओं को हिबिस्कस की चाय नहीं लेनी चाहिए। स्तनपान करने वाली माताओं द्वारा हिबिस्कस चाय के उपयोग के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस अवधि के दौरान भी इसे लेने से बचें। दोस्तों, गुड़हल की चाय के उपयोग से नींद आने लगती है, अतः वाहन ड्राइव करते समय या मशीन चलाते समय गुड़हल की चाय उपयोग में न लाएं। गुड़हल के उपयोग से हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है, इसलिए लो ब्लड प्रेशर वाले लोग इसका उपयोग ना करें, क्योंकि इसके उपयोग से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे गुड़हल के फायदे और नुकसान। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके बहुत काम आएगी। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ घरेलू स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।